गुड मॉर्निंग। तो देखिए अभी तो इनका खाने के प्लेट में कुछ नहीं दिख रहा होगा ना, सिर्फ 10 मिनट के पहले मैंने इधर खाना डाला था, जैसे कि मुझको आदत है। और मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और दूर मेरा गार्डन का काम कर रही थी। और देखिए इतने भूखे थे बेचारे, क्योंकि कल रात ना बारिश हो गई थी, तो लगता है ये जल्दी घर में वापस आ गए होंगे और इनको खाना नहीं मिला होगा। और अभी सुबह सुबह जैसे ही मैंने डाला ना, सब खाना चट कर दिया। कितनी खुशी होती है। आप भी ना आपके घर के आसपास कुछ दाने और थोड़ा सा पानी डाला कीजिए। ये बेचारे पक्षी होती है ना, इनको ना मांगने के लिए मुंह होता है, ना बेचारे को भूख लगती है, तो किसी को पूछ भी नहीं सकते ये। तो कोई कोई बोलता है कि पिजन को कुछ नहीं, ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे घर के आसपास पिजन ही बहुत है तो आ जाते हैं। कौवे भी है, उसमें 2 कौवे दिख रहे होंगे उधर, तो कौवे भी है, कौवे भी आ जाते हैं। चिड़िया बहुत कम आती है, आने वाले दिनों में ये भी वो भी आ जाएंगी। तो मेरा गार्डन का काम चल रहा है, क्योंकि कल रात बारिश हो गई ना, फिर तो मैंने दूसरा पॉट भी रिपोर्ट करने के लिए डाला। ये सब अच्छी वाली मिट्टी है, इसको मैं सूखने दूंगी, और जब सूख जाएगा ना, उधर जो थर्माकोल का बॉक्स दिख रहा है ना, उस थर्माकोल के बॉक्स में डाल के दूसरे जो नए पौधे हैं उसको लगाने वाली हूँ। रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे ना, तो किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती हेल्प के लिए। हाँ कभी कभी इतना हेवी, मतलब जो बड़ा बड़ा काम होता है ना, तो उसके लिए मुझे किसी को रिक्वेस्ट तो करती हूँ मैं, लेकिन जो छोटे छोटे काम होते हैं और धीरे धीरे जो करने वाले काम होते हैं, मैं खुद कर लेती हूँ। मुझे मज़ा आता है गार्डन का काम करने में। और सुबह तो मेरा वॉक के नाम से, वॉक का नाम ही होता है, लेकिन मैं इन्हीं के पेड़ों के पौधों के पास ही ज़्यादा वक्त बिताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आने वाले दिनों में ना, ये जो है इनको ऊपर का जो भाग है ना, इसको काटना है मुझे, क्योंकि इसको जब काटेंगे ना इस तरह से, इसके ऊपर को ऐसे, तो इधर अंदर से डंडी निकलेगी, और बहुत जल्दी डंडी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी जल्दी, सिर्फ पत्ते ग्रो होते रहेंगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी ऊपर के पत्ते काट देती हूँ, अंदर से डंडी निकलेगी और डंडी में से जल्दी फूल आ जाएगा। और ऐसे जो होता है ना, तो ऐसे एक डब्बा बनाना चाहिए, और डब्बे में ऐसे डालते जाएंगे ना, तो वो खाद अपने आप बनती जाती है। चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, टाइम भी हो गया, और फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और खुद का केयर करें। चलिए बाय बाय।